सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 में अध्याय 3 गांव और शहर का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ा था, उसके पश्चात 1 देवांगना चंद्रा के बारे में, और अब है गांव और शहर। यहाँ गांव और शहर के बारे में बताया जा रहा है कि गांव और शहर दोनों का जो जीवन होता है बड़ा ही जो है अलग होता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने जो है ग्रामीण और शहरी जीवन का बड़ा ही सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है। लेखक का प्रमुख उद्देश्य गांव और शहर के आपसी संबंधों का ज्ञान करवाना है, क्योंकि इन दोनों की प्रगति पर ही हमारे देश की प्रगति निर्भर करती है। कहानी की शुरुआत इस प्रकार से शुरू होती है कि अभिषेक नाम का एक लड़का है जिसकी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थी। छुट्टियों में उसने अपने दादाजी के पास गांव जाने का निर्णय किया। वह दादाजी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए गांव उसे बहुत ही प्रिय था। दादाजी ने टेलीफोन पर उसे पहले ही बता दिया था कि नौकर गोपी जो है उसे बस स्टैंड पर लेने के लिए पहुंच जाएगा। गांव जाने के लिए अभिषेक बहुत ही रोमांचित हो रहा था। उसके मन में ढेर सारी जिज्ञासाएं थी कि गांव का परिवेश कैसा होता है। गांव के बारे में उसने सब बहुत कुछ सुना था, इसलिए गांव के उस परिवेश को देखने के लिए उसका मन जो है वह उल्लासित हो रहा था। उसकी बस जो है निश्चित समय पर गांव पहुंच गई। वहां गोपी उसकी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा था। अभिषेक को देखते ही गोपी ने उसे प्रणाम किया और कुशल क्षेम पूछते हुए उसका सारा सामान उठा लिया, और इस प्रकार से अभिषेक जो है अपने गांव पहुंच गया और फिर रास्ते के क्रम में दोनों बात करते हुए आगे चलने लगे। तभी अभिषेक ने कहा कि अरे गोपी, यहाँ तो सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तब तो यहाँ न बस चलती थी न पक्के मकान बने हुए थे, परंतु अब जो है एकदम से अलग नजारा देखने को मिल रहा है। अब तो यहाँ पर नया अस्पताल और स्कूल भी बन गया है। अभिषेक की बात को सुनते हुए गोपी ने बड़े प्रसन्नता से कहा, बोला, हाँ भैया, आप ठीक ही कह रहे हैं। अब अपने गांव का स्वरूप बहुत परिवर्तित हो चुका है, एकदम से बदल गया है। आजकल के गांव पहले जैसे नहीं रहे हैं। अब तो यहाँ भी सरकार ने पानी और बिजली की उचित व्यवस्था कर दी है। आप तो जानते ही होंगे हरिया भैया को, पहले वह हल से खेती करता था, परंतु आजकल वह ट्रैक्टर से खेती करता है। समय समय पर हमारे गांव में सरकारी कृषि विशेषज्ञ यहाँ आकर के हमारे किसानों को खेतों में के वैज्ञानिक ढंगों से परिचित कराते हैं। अब पहले जैसा गांव नहीं रहा भैया। यहाँ पर गोपी जो है अभिषेक को बतलाता है कि सरकारी कृषि विशेषज्ञ की किस प्रकार से उन्नत खेती की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार खेतों से ली जाए, उसके लिए कृषि विशेषज्ञ यहाँ पर आते हैं और यहाँ के किसान भाइयों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के बारे में बतलाते हैं। गोपी के मुख से इन सारी बातों को सुनकर अभिषेक को हैरानी हो रही थी, परंतु उसे खुशी भी थी कि उसका गांव जो है अब वह उन्नतशील हो रहा है तथा वहां की जीवन शैली में भी परिवर्तन आ गया है। इस प्रकार अभिषेक और गोपी दोनों बात करने करते करते घर की ओर आ रहे थे। वे अपने बातों में मग्न थे। तभी रास्ते में उन्हें रामधन मिल गया, जो कि गोपी का घनिष्ठ मित्र था। अभिषेक को देखकर उसने प्रणाम किया, फिर चहकते हुए कहा, अभिषेक भैया, आप जो है शहर से गांव आ गए हैं। रामधन कहता है कि अभिषेक भैया, जब भी कोई शहर से आता हुआ मैं किसी को भी देखता हूँ तब मेरा मन भी शहर जाने के लिए बेचैन हो उठता है।
वहां का जीवन कितना सुखमय और सुविधाओं से भरा हुआ होता है। यहाँ रामधन जो है वह शहर के जीवन से काफी प्रभावित है और वह गांव में रहता है। उसके मन की इच्छा है कि वह भी शहर जाकर के शहर की चकाचौंध को देखे और वहां के सुख सुविधाओं का आनंद उठाए। इसी क्रम में वह कहता है कि शहर का जीवन तो बड़ा ही आनंदमय होता है, सुविधाओं से भरा हुआ होता है। बुधना और राम प्रसाद भी तो वहां गए हुए हैं। गोपी ने तभी जो है रामधन को बीच में टोकते हुए कहा कहा कि रामधन, क्या तुम हर वक्त शहर के सपने देखते रहते हो? हमारा जीवन क्या शहर से कम है? हमारा यह जो गांव है क्या शहर से कोई कम है? हमारे जो जीवन की जो शैली है वह शहरों से भी कम नहीं है। यहाँ की खुली धूप, स्वच्छ और शीतल हवा तथा खेतों की हरियाली हम सबके मन को अपनी ओर खींच लेती है और तुम इसे छोड़कर के शहर जाना चाहते हो। ये सारी बातें जो है गोपी रामधन को समझाता है, क्योंकि रामधन का मन शहर की ओर ललायित है। वह बतलाता है कि यहाँ की हरियाली, यहाँ की शीतल हवा शहरों की अपेक्षा ज्यादा अच्छी है और तुम इसे छोड़कर शहर जाने का मन बनाते हो। तभी रामधन ने बड़े ही उत्साहित होते हुए कहा कहा कि मित्र गोपी, तुम्हें क्या पता यहाँ कितने शानदार बाजार और बढ़िया इमारतें हैं? शहर के बारे में आखिर तुम जानते ही क्या हो? वहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े बाजार हैं, बड़ी और तथा चौड़ी सड़कें हैं, सिनेमा घर हैं, कॉलेज हैं, स्कूल है, अस्पताल है, अनाज मंडियां हैं और मन लगाने के लिए आमोद प्रमोद के सभी साधन एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाते हैं। आमोद प्रमोद का अर्थ है मनोरंजन, कि मनोरंजन के सारी चीज़ें जो है एक ही जगह पर शहर में मिल जाती हैं। वहाँ हर एक चीज़ की सुख सुविधा है। यदि मैं एक बार जाऊँ तो फिर मैं कभी वापस जो है गाँव लौट कर ना आऊँ। यह बात जो है रामधन जो है वह गोपी से कहता है। यहाँ पर गोपी और रामधन के बीच शहर और गांव को लेकर के बातचीत हो रही है। एक तरफ गोपी जो है गांव की जीवन शैली, वहाँ की स्वच्छता और हरियाली के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि शहर, हमारा गांव कोई शहर से कम नहीं है। परंतु रामधन का मन जो शहर की ओर आकर्षित है वह कहता है कि अगर एक बार मैं शहर चला जाऊँ तो वापस ना आऊँ, क्योंकि उसने सुना है कि वहाँ पर बढ़िया बढ़िया जो है इमारतें हैं, बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, सिनेमा घर हैं, अस्पताल हैं, अनाज मंडियां हैं और तो और मनोरंजन के हर एक साधन वहाँ पर एक ही स्थान पर उपलब्ध है। यही बातचीत का क्रम जो है गोपी और रामधन के बीच चल रहा था। गोपी ने एक लंबी सांस भर करके कहा, बोला, रहने दो भाई, वहाँ के बाजार तो अत्यधिक महंगे और लूटने वाले होते हैं। किस शहर की तुम बात करते हो बाजार की? वहाँ तो ढेर सामान जो बिकते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। वहाँ जो है लूटने वाले लोग जो हैं लूटते हैं ग्राहकों को। दुकानदार वस्तुओं के अधिक दाम लगाकर लोगों की जेबों पर डाका डालते हैं। प्रत्येक वस्तु में वहाँ पर मिलावट पाई जाती है। बहुमंजिला इमारतें और मकानों के आपस में सटे होने के कारण लोग कई दिनों तक सूर्य के दर्शन तक नहीं करते हैं। यहाँ गोपी बतलाता है कि बड़ी बड़ी इमारतें होने के कारण लोग जो हैं कई दिनों तक सूर्य के दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर अभिषेक मुस्कुराने लगता है। फिर उसने जिज्ञासावश गोपी से पूछा, कहा, वाह गोपी, तुम्हें आखिर इन सब बातों का ज्ञान हुआ कहाँ से? तुम तो कभी शहर गए नहीं हो। आखिर ये सारी जो चीज़ें तुम बतला रहे हो कि बाजार महंगे होते हैं, दुकानदार वस्तुओं के अधिक दाम लेकर लोगों की जेबों पर डाका डालते हैं, हर एक वस्तुओं में मिलावट पाई जाती है, लोगों को सूर्य के दर्शन बहुमंजिली इमारतें होने के कारण नहीं हो पाते, आखिर ये सारी जानकारी तुम्हें आई कहाँ से? तुम तो कभी शहर गए नहीं हो। गोपी ने खुश होकर कहा, भैया,
शहर के बहुत से लोग कभी-कभी गांव आते रहते हैं, उन्हीं से ही शहर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तब रामधन ने कहा कि अभिषेक भैया, क्या यह सच कह रहा है जो अभी तक गोपी ने बात बताई? अभिषेक ने गंभीर होकर कहा, हाँ रामधन, गोपी ठीक कह रहा है, परंतु कुछ हद तक तुम्हारी बातें भी उचित है। शहरी चकाचौंध से प्रभावित होकर बहुत से गांव के लोग जो हैं शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, जिससे शहरों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और उस जनसंख्या के कारण कई दुष्परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। रामधन ने जिज्ञासा से पूछा, भैया कैसे दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं? अभिषेक ने उन्हें विस्तार पूर्वक बताया, कहा कि अत्यधिक जनसंख्या के कारण महंगाई बढ़ रही है। आवास महंगाई बढ़ने का तात्पर्य यहां पर है कि वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को रहने के लिए आवास भी चाहिए, तो आवासीय समस्या बढ़ रही है, बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और दिन प्रतिदिन पर्यावरण भी प्रदूषित होता चला जा रहा है। ये सारे कारण जो है अभिषेक ने रामधन को बतलाया कि शहरों में जो है जनसंख्या बढ़ जाने के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, पृष्ठ संख्या 27 तक। अगली कक्षा में हम लोग पृष्ठ संख्या 28 से आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।